हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ स्टेप क्लास थर्ड के बुक को सॉरी क्लास सेकेंड को बुक को हल कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले कल का जो होमवर्क दिए थे आप लोगों को उसे बताऊंगा और फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस वीडियो में और भी जानेंगे, जैसे कि हम आज कंपैरिजन ऑफ टू डिजिट नंबर के बारे में जानने वाले हैं और भी उस नंबर को हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। कल का हमारा होमवर्क था जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। होमवर्क था क्लास टेस्ट, हमने दिया था आप लोगों को। क्लास टेस्ट में लिखना था आप लोगों को राइट द वर्ड्स, यानी कि आप लोग को इसको वर्ड्स में लिखना था। 20 लिखा गया ना, 20 को आप वर्ड्स में लिखना था, ए बी सी डी के जैसे लिखना था। जैसे कि हम लिखते हैं जैसे यू एन डी ए वाई संडे लिखते हैं ना, वैसे ही लिखना था। जैसे ओ एन ई वन लिखते हैं वैसे हमें इसे लिखना था। मुझे आशा है आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। चलिए हम इसको करना स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 20 लिखा ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसके बॉक्स में TWENTY 20, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको भरना है, इसी बॉक्स में भरना है 20, ठीक है। फिर आपको अगले बॉक्स में दिया है, क्या दिया है, 67, तो आप लोग को भरना है यस आई एक्स टी वाई 60। फिर ऐसे डस लगाइएगा, फिर यस ई वी ई एन 7, ठीक है ना। ऐसे आपको 67 भरना था, ठीक है। फिर अगला आपको क्या भरना था, 39, तो आप यहाँ भरिएगा THIRTY 30। फिर डैश लगा करके NINE, क्लियर। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कह रहा है राइट द नंबरल्स, यानी कि हमें इसे नंबर में भरने थे, ठीक है। नंबर यानी कि जैसे ये 20 लिखा गया था तो हम इसको इंग्लिश में लिख रहे थे, तो ये 20 लिखा है ना ऐसे, तो ऐसे इस तरीके से 17 को हमें भरना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 ऐसे नंबर के रूप में, 1 2 की तरह, ठीक है ना, ऐसे 17। फिर 48, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 48, ठीक है ना। इस प्रकार 100 कैसे होता है, ऐसे 100, ठीक है, इस तरीके से आपको भरना था, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला दिया है सी द पैटर्न्स एंड फिल द ब्लैंक्स। मैंने पैटर्न को देखिए और क्या करेंगे, खाली स्थान को भरने का काम करिए। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, 50 60 70, तो यहाँ पे क्या जाएगा 80, फिर 90, फिर 100, क्लियर। इसी प्रकार ठीक है दिया है 45, फिर दिया आपका 40, फिर 35, यानी कि 5 5 क्या किया है, माइनस करते गया है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है, यहाँ पे फिर 25, फिर आपका 20, क्लियर। इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको पूरा पूरा भर के बता देता हूँ। ऐसे ही आपको पेंसिल की सहायता से आपको भरना था, देखिए चेक कर लीजिए अच्छे से, ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने ये पेंसिल से इसको भरा है अच्छे से, आप भी इसको क्या करिएगा, पेंसिल की सहायता से अपने बुक में भरने का काम करिएगा, ठीक है, ये बुक में ही करना है, क्लियर। चलिए अब अगले वाले हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, मतलब पेज नंबर 8 पे ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ये रहा सॉरी पेज नंबर 7 जो हमने कल छोड़ा था, पेज नंबर 7। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, आज का मेन
नंबर यही पढ़ना है हमको, कंपेरिजन ऑफ टू डिजिट के नंबर, दो डिजिट के नंबर को आज हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। देखिए दिया है, टेक द नंबर्स 46 एंड 52, विच वन इज ग्रेटर, यानी कि इसमें से एक कोई बड़ा है, ठीक है। वेल काउंटिंग 46 कम्स अर्लियर एंड 52 कम्स लेटर, यानी कि आपका देखिए आप दिया है 52 बॉक्स में रुके, मैं दिखा रहा हूँ आपको बॉक्स में, यहाँ पे बॉक्स में हम दिख रहे हैं, बॉक्स में 52 इज ग्रेटर देन 46, यानी कि 52 46 से क्या है, बड़ा है। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, इसका सिंबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है 46 इज लेस देन 52, यानी 42 जो होता है वो आपका लेस देन, सॉरी 56 जो है लेस देन है किसके, 46 जो है लेस देन है, छोटा है 52 से, ठीक है। एक ही बात को दो तरीके से कहने का काम किया गया है यहाँ पे, यानी कि एक लेस देन बताया गया है, एक ग्रेटर देन बताया गया है। तो ग्रेटर देन 42 को बताया गया है, 52 को बताया गया है, और लेस देन किसको बताया गया है, 46 को, यानी कि 46 जो है लेस देन है किसके, 52 के, ठीक है। इसी प्रकार अगला दिया है, द नंबर काउंटिंग लेटर विल काउंटिंग इज ग्रेटर, द नंबर काउंटिंग एलायर विल काउंटिंग इज स्मॉलर। देखिए कह रहा है कि सो नंबर दिया है आपको 60 क्या है, ग्रेटर देन है 40 से, उसी प्रकार 34 लेस देन है 38 से, फिर 15 ग्रेटर देन है 9 से, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं 16 क्या है, ग्रेटर देन है 40 से, फिर 34 लेस देन है आपके 38 से, फिर 15 ग्रेटर देन है 9 से, यानी कि बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से हम चलते हैं, अगला इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले वाले टॉपिक में हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। दिया है, कंपेयरिंग नंबर यूजिंग द वैल्यू ऑफ डिजिट इन डिफरेंट प्लेस, क्लियर, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर टेक द नंबर 52 एंड 46 सिंस 46 कम्स एलायर वेन काउंटिंग 52 ग्रेटर देन 46, 52 ग्रेटर देन 46, 46 लेस देन 52, यानी कि ये टू डिजिट के नंबर जो कह रहे हैं कि एक बड़ा एक छोटा बताने का काम किया गया है, ठीक है। अगला कह रहा है, वी सी डैट द टू डिजिट नंबर द वन, यानी कि दो डिजिट के नंबर हैं जिसमें एक बड़ा है एक छोटा है, और हम सी करते हैं देखने का काम करते हैं कौन, यानी कि टेन डिजिट पे जो होता है, यानी कि 110, यहाँ पर देखिए 1 और 10 डिजिट पे होता है, उसे अगर बड़ा हम छांट लेते हैं तब हम छोटे वाले को छांट लेंगे आराम से, ठीक है। यानी कि हमें कंपेरिजन करके निकालना होता है, तो व्हाट, तो इसी पे हम करते हैं, विट द ग्रेटर डिजिट इन द 10 प्लेस इज ग्रेटर, यानी कि जो 10 प्लेस पे जो नंबर होता है उसे अगर वो बड़ा है तो हम उसे क्या कहेंगे, बड़ा बता देंगे, यानी 10 प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 और 4 में कौन सा बड़ा है भैया, तो 5 बड़ा है, तो 10 प्लेस वाला अगर बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला दिया है, नाउ टेक द नंबर 31 एंड 37, यहाँ पे देखिए दोनों सेम नंबर आपको दिख रहा है, 33, ठीक है, 10 प्लेस पे जो नंबर दिख रहा है आपको राइट साइड में वो आपका 33 दोनों दिख रहा है, तो अब कंपेरिजन करना थोड़ा सा दिक्कत में है, तो इसे हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, फिर हम वन प्लेस वाले नंबर को कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, दोनों 33 अगर सेम नंबर हो, तब जब सेम नंबर होंगे तो बड़े वाला नंबर देखेंगे 10 प्लेस पे कौन बड़ा है, ठीक है,
जब 10 प्लस में हमें बड़ा मिल जाएगा तो उसी को हम बड़ा कह देंगे, ठीक है। तब हम उसे कहेंगे कि 37 इज ग्रेटर देन 31, ठीक है, या 31 इज लेस देन 37, ठीक है। इस तरीके से हम अब नंबर को कंपेरिजन करके करने का काम करते हैं, ठीक है। हर द डिजिट इन 10 प्लेस आर इक्वल, अगर 10 प्लेस पे इक्वल होता है तब की बात कही गई है, ठीक है। अगर 10 प्लेस पे इक्वल नहीं होता है तब हम वन प्लेस को नहीं देखेंगे, 10 प्लेस पे ही क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ही बता देगा आपको कि बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। अगले वाले नंबर पे हम चलते हैं। अगला दिया है, देखिए वही बात कर रहा है कि हियर द डिजिट इन द 10 प्लेस आर इक्वल, तो 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर 10 प्लेस पे 3 था तब की बात कही गई है। नाउ वी कंपेयर द डिजिट इन द 1 प्लेस, और फिर हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, बट 10 प्लेस पे तो इक्वल था इसलिए हम कंपेयर करेंगे किसको, 1 प्लेस के नंबर को कंपेयर करेंगे। तो 1 प्लेस के नंबर को जैसे ही हम कंपेयर करने का काम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7 बिगेस्ट नंबर मिल जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही कह देंगे कि 1 इज लेस देन 7, ठीक है, या आप इसको उल्टा लिख करके कह देंगे कि 7 इज ग्रेटर देन, ऐसे 7 सॉरी आप कह देंगे कि 7 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है, तो ऐसे आप लास्ट में लिख दीजिए सबको डी द डिजिट 1 इन द 1 प्लेस, द डिजिट 1 इन द 1 प्लेस 31 इज लेस देन, कह रहा है 31 लेस देन है, छोटा है। द डिजिट 7 इन द 1 प्लेस ऑफ 37, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि 31 37 से क्या है, लेस देन है। तो इस तरीके से अगला कह रहा है अमोंग द नंबर 31 एंड 9, यहाँ पे कह रहा है कि अब नंबर लीजिए कौन कौन से, 31 को और 9 को, क्योंकि एक 1 डिजिट का ले लीजिए एक 2 डिजिट का, विच द ग्रेटेस्ट, और इसमें छाटने का काम करिए कि कौन बड़ा है। तो द डिजिट इन द 10 प्लेस ऑफ 21 इज 2, इन दोनों डिजिट को लिया गया है, किसको 21 को और 2 को, ठीक है। अब यहाँ पे 10 प्लेस वाले नंबर को अधिकतर वरीयता दिया जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस वाला तो पहले ही छोटा होता है, शुरू में पढ़ा था कि लार्जेस्ट नंबर 1 प्लेस क्या होता है, 1 प्लेस का नंबर कभी भी क्या नाम है सॉरी 1 प्लेस कर रहे हैं 1 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के नंबर से कभी भी छोटा ही होता है। वही बात यहाँ भी थोड़ा सा समझाने का काम किया गया है, यहाँ इतना जान लीजिए कि 1 डिजिट का नंबर जो होता है कभी भी छोटा ही होगा 2 डिजिट के नंबर से, और 2 डिजिट का नंबर जितना होगा वो कभी भी 3 डिजिट के नंबर से छोटा ही होगा, ठीक है। तो डिजिट हमें काउंट करना आना चाहिए कि 1 डिजिट का है कि 2 डिजिट का है कि 3 डिजिट का है, ठीक है, तब हम काउंट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डिजिट इन द 10 प्लेस ऑफ द नंबर 9 इज 0, नो 10 इन इट, ठीक है। यह आंसर में दिया है 2 क्या है ग्रेटर देन 0 से, यानी कि 2 क्या है ग्रेटर देन है 0 से, क्योंकि इसके अगर बात करें यहाँ पे लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करें 21 लिख दें, ठीक है, और अगर इसमें बॉक्स हम बना दें यहाँ पे और कह दें यहाँ पे 02 है, क्योंकि 02 कहेंगे ना 2 दिया है केवल, तो 02, तो हम 1 प्लेस वाले नंबर को कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए 1 प्लेस का नंबर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को 2 से कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है 1 को आप 2 से कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि भाई 1 प्लेस में नंबर वहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या है 1 है, तो इस तरह से कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको मिल जाएगा क्या, अब 2 को किसको कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे 2 को 0 से के साथ कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो 2 को 0 के साथ जैसे ही कंपेरिजन हम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई 2 ही बड़ा है, तो इसलिए डायरेक्ट वही बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधे समझने वाली बात आपके हैं, क्योंकि बड़े क्लास में आपको पढ़ना ही है 1 डिजिट के नंबर 2 डिजिट के नंबर 3 डिजिट के नंबर, तो इतना हमें ध्यान में होना चाहिए कि कभी भी 1 डिजिट का नंबर
क्या होता है, छोटा होता है 2 डिजिट के नंबर से, और 2 डिजिट का नंबर जो है कि छोटा होता है 1 डिजिट के, सॉरी 2 3 डिजिट के नंबर से, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ऑल द डिजिट नंबर आर लेस देन 2 डिजिट नंबर, क्लियर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है ऑल द 1 डिजिट नंबर आर लेस देन 2 डिजिट नंबर, यानी कि जो होता है 1 डिजिट का नंबर वो क्या होता है 2 डिजिट के नंबर से लेस देन होता है, छोटा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। चलिए अब हम लोगों ने जो होमवर्क दिया था उसके आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। हमने ये पेज नंबर 7 को पढ़ लिया, ठीक है। पेज नंबर 8 पे चलना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 पे हमने आप लोग को क्लास टेस्ट दिया था। क्लास टेस्ट में मैंने 3 क्वेश्चन भी करा चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ये। अब पेज नंबर 8 पे आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को आपको क्या करने हैं, भरने हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है देखिए द डिजिट इन द 10 प्लेस ऑफ 79, डिजिट के 10 प्लेस पर, 10 प्लेस का नंबर बताइए आपका कि 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है जिसमें 79 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या है, 79 दिया है, तो इस 79 पे 10 प्लेस का नंबर कौन सा है। देखिए 9 क्या है, 1 प्लेस है, ये 7 2 प्लेस है, 10 प्लेस है, ठीक है, दूसरे स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे कि 7, ठीक है। इसी प्रकार द डिजिट इन द 1 प्लेस ऑफ 90 इज, तो हम कह रहे हैं कि इसमें 1 प्लेस पे नंबर बताइए। देखिए यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या है, इधर से काउंट कर, राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो 0 और फिर 9, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि हमसे पूछा है 1 प्लेस नंबर, यहाँ पूछा था 10 प्लेस नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 56, आपको प्लेस वैल्यू बताना है कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 का प्लेस वैल्यू होगा आपका 6 ही होगा, क्योंकि वही 1 प्लेस पे है, और 10 प्लेस पे होता तो 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देते, ठीक है। इसी प्रकार कर रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 93, देखिए यहाँ पे 93, तो ये 1 प्लेस और ये 10 प्लेस, तो 9 का हमें पूछा है, तो 9 का जैसे ही पूछा तो 9 करेंगे, लेकिन 9 में हम किसके गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 10 का, क्योंकि 10 प्लस पे है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 90, क्लियर। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक। अगला दिया है आपका द प्लेस वैल्यू ऑफ इन 42 इज 40, 42 का प्लेस वैल्यू 40 किसका है, तो 4 का, क्लियर। यहाँ पे 4 का, यानी कि यहाँ पे 10 यानी 10 से गुणा किया हुआ है तभी तो आया है 4 में, क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 70 इज 7, तो 7 कौन सा है, 1 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 7 ही सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसको मैं मिटा के पूरा फिल कर देता हूँ, आप भी अपने कॉपी में या बुक में कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए ये मैंने क्या किया, आपको फिल कर दिया, ठीक। आप अपना कॉपी मिला लीजिए, मिटा के इसको सही कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला ये रहा, ये देखिए दिया है राइट द नंबर शोन ऑन द एबक्यूस इन द बॉक्स, आपको देख नंबर लिखने हैं बॉक्स में देख करके कि क्या क्या दिया है। एबक्यूस को देखिए, यानी कि इसको जो एक छड़ी बनाई गई है उसमें गोली लटकाई गई है, उन सबको काउंट करना है, काउंट करके लिखना है आपको। द कंपेयर द नंबर एंड फिल द सर्कल विथ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, और कंपेयर करके नंबर को यहाँ पे लिखना है, फिल करना है, और इसको भरने का काम भी करना है हमको, ठीक है। चलिए ये आपका थोड़ा सा हम समझाएंगे, और एच डब्ल्यू भी रहेगा, ठीक है। ये एच डब्ल्यू में डाल लीजिएगा, एच डब्ल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एच डब्ल्यू रहेगा आपका, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं क्या हो गया, यहाँ पे इस 1 प्लेस पे कितना है, कितना नंबर है, अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 प्लेस पे क्या है, कुछ नहीं है,
तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर टेन प्लेस पे टी दिया हुआ ना, यहाँ पे टी दिया हुआ, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अच्छे से, फिर साफ करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहीं पे हम बात कर रहे हैं आगे, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वन प्लेस पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे आप जीरो भर दीजिए। उसी प्रकार से टेन प्लेस पे 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, 5 भरेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर अब यहाँ पे करा कि वन प्लस पे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से आप इसको काउंट करेंगे तो कितना दिया है, 6, तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, 6। फिर इसी प्रकार से टेन प्लस पे कितना दिया है आपका, 1 2 3 4 5, तो सॉरी 4, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5, ठीक है ना। इस प्रकार से अब ये वाला मैंने कर लिया, ये वाला आप करिएगा अपने आप। अब करने के बाद से अब ये आपको एक ऐसे गोला बनाया हुआ है, इस गोले में आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। देखिए 56, सॉरी 4 गलत हो गया ना, ये 4 होगा, ये 4 था, हम 5 लिख दिए थे, 4। तो 46 और 50 में सबसे बड़ा कौन है, बिगेस्ट नंबर। तो देखिए वन डिजिट के कंपेयर करिए, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 में कौन बड़ा होता है, 5, तो आप ऐसे लगा दीजिए। तो 46 इज लेस देन 50, ठीक है, इस तरीके से आपको करना था, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप कंपेरिजन करके करने का काम करिएगा अच्छे से। देखिए दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये वाली बात हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए 34 दिया हुआ है और 61 दिया हुआ है, तो वन डिजिट के पहले हम 10 डिजिट के नंबर को कंपेरिजन करते हैं। 10 डिजिट का नंबर कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 और 6 में सीधा सीधा बताइए कौन सा बड़ा हो जाएगा, आपका 6 बड़ा हो जाएगा। तो आप कैसे कर देंगे, ऐसे 6 बड़े टाइम, तो आप कह सकते हैं 34 इज लेस देन 61, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पे करना होगा तो आप कर लीजिएगा, आप घर से अच्छे से करने का काम करिएगा। मैं एक इसको बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 77 है, ठीक है, तो 7 और 77 में कौन सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे वन डिजिट का नंबर यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप जीरो कर सकते हैं, कंपेरिजन करिए 10 डिजिट का, 10 का डिजिट का कंपेरिजन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या आ गया 0, तो 7 और 0 में कौन बड़ा हो गया भाई, ये तो ऐसे कर दिए, तो आप कर सकते हैं 7 इज लेस देन 77, ठीक है, इस तरीके से आपको करने थे। चलिए अगला मैं बता दे रहा हूँ, अगला ये एच डब्ल्यू है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको करना है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, अगले वीडियो में इसको करके मैं दिखा दूँगा, ठीक है। चलिए ये कह रहा है राइट द 50 51 25 52 5 and 15 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में आपको यहाँ पे लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, घटते क्रम, घटते क्रम यानी कि सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटा वाला लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भरने का काम करेंगे। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप करिएगा घर पर, मैं 2-3 बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें हम काउंट देखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 है, 5 है, तो 5 वाला तो होगा क्योंकि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ पे है, 3 नंबर में 5 वाला दिख रहा है, 1 प्लेस पे 5 दिख रहे हैं, तो 1 प्लेस तो कुछ केवल होगा नहीं, हमें बड़ा दिखना है, तो हम 2 प्लेस के नंबर को भी मैं ऐसे सॉरी 10 प्लेस नंबर पे 5 दिख रहे हैं, तो 10 प्लेस नंबर से केवल होगा नहीं, अब 1 प्लेस नंबर को मिलाने का कंपेरिजन करने का काम करें। यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, तो कौन सा होगा, 2 वाला, यानी कि 52, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, 52, क्लियर। आगे बात करते हैं, अगला दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 51, सीधा सीधा मतलब है 51, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50। इसी प्रकार से आप कंपेरिजन करके करने का काम करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ध्यान रखिए, होमवर्क को करिएगा, अगले वीडियो में जरूर समझाऊंगा आपको, ठीक है।